इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के क्या कारण होते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ माइग्रेन जो है अभी तक अननोन है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं क्यों होता है माइग्रेन, बट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन कहा जाता है कि जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, उसके इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स होते हैं वो पेन सेंसिटिव होते हैं, और उनके फैलने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन की तीसरी थ्योरी ये कहती है कि जो नर्व सिग्नल्स रहते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। जिन लोग को माइग्रेन होता है उन्हें शायद पता होगा कि को कुछ एक कारण होता है जिसकी वजह से उन्हें यूजुअली माइग्रेन का हेडेक चालू होता है। तो इन चीज़ों को, जिस कारण से ये माइग्रेन का हेडेक चालू होता है, उसको हम कहते हैं ट्रिगर फैक्टर। तो ये ट्रिगर फैक्टर कई प्रकार के होते हैं, चाहे आप खाना कम खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपने टीवी ज़्यादा देख ली, या आप सोए नहीं हैं, या आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो ये सारे फैक्टर्स माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा हार्मोनल जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं उसमें फीमेल्स को एट द स्टार्ट ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन और एट मीनोपॉज माइग्रेन के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये एक हार्मोन्स के इम्बेलेंस की वजह से माइग्रेन चालू होता है, तो इसलिए हार्मोनल ट्रिगर फैक्टर इनको कहा जाता है। फिर आपका जो बिहेवियर है, आपके इमोशंस हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं माइग्रेन को ट्रिगर करने में। तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, तो इन सब चीज़ों से आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। माइग्रेन के और बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें टायर्डनेस, इनफ आराम नहीं करना, इनफ स्लीप नहीं लेना, और स्ट्रेसफुल लॉन्ग वर्क आवर्स रहना ऑफिस में, अपनी मील्स मिस करना, खाना सही टाइम पे न लेना, पानी सही मात्रा में न लेना, डिहाइड्रेटेड हो जाना, कैफीन ज़्यादा लेना और अल्कोहल ज़्यादा लेना, और साथ में एक सब्सटेंस होता है टायरामीन, टायरामीन होता है चॉकलेट में। सो चॉकलेट खाने से भी कई लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कई लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ज़्यादा देर बैठ के, और कई लोगों को टीवी के आगे ज़्यादा देर बैठ के माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है।